नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल 2021 के 39वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने थी। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी की थी और विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल के अर्धशतकों के दम पर 6 विकेट के नुकसान पर 165 रन बनाए थे। मुंबई के सामने 166 रनों का लक्ष्य था, लेकिन मुंबई की टीम इस मुकाबले में सिर्फ 111 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने यह मुकाबला 54 रनों से अपने नाम कर लिया। इस जीत में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल की सबसे बड़ी भूमिका रही। उन्होंने 3.1 ओवर की गेंदबाजी में 17 रन देकर 4 विकेट भी निकाल दिए। इस दौरान पारी के 17वें ओवर में हर्षल पटेल ने हैट्रिक लेकर अनोखा कारनामा कर दिया। जी हाँ, वो आईपीएल इतिहास में बैंगलोर के तीसरे गेंदबाज बन गए जिन्होंने आईपीएल में हैट्रिक ली है। आपको बता दें, पारी का 17वां ओवर लेकर आए हर्षल पटेल ने पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या को चलता कर दिया। हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद को हवा में खेल बैठे और विराट कोहली ने कोई गलती नहीं की कैच लपकने में। इसके बाद तूफानी बल्लेबाज किरण पोलार्ड को भी हर्षल पटेल ने लेग साइड में स्लोअर वन गेंद पर फंसा लिया और उनका लेग स्टंप उड़ा दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर हर्षल पटेल ने मुंबई की कमर तोड़ दी थी। और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए राहुल चहर को भी पहली ही गेंद पर हर्षल पटेल ने एक स्लोअर वन यॉर्कर डाली जो सीधे जाकर उनके पैड्स पर लगी और अंपायर ने भी उंगली खड़ी कर दी और 3 गेंदों पर हर्षल पटेल ने 3 विकेट निकालकर आरसीबी की जीत की पटकथा लिख दी। हालांकि इसके बाद पारी का 19वां ओवर लेकर आए हर्षल पटेल ने अपनी पहली ही गेंद पर एडम मिलने को बोल्ड कर मैच में अपने 4 विकेट भी पूरे कर लिए। आपको बता दें, आईपीएल 2021 में हर्षल पटेल सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और इस मैच में जिस तरीके का प्रदर्शन किया है वो बाकी गेंदबाजों से बहुत आगे निकल चुके हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।